वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगी, सम ऑफ द स्टूडेंट दे आर मिस्टेकन, लाइक आई एम टेलिंग देम दैट देयर विल बी नो असर्शन इज बीइंग क्वेश्चन इन मैथ्स पेपर, दे आर टेकिंग इट लाइक इट विल नॉट बी देयर इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट. सो प्लीज लेट मी टेल यू दैट योर सब्जेक्ट टीचर विल गाइड यू बेटर दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर हैविंग इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट. डोंट गो लाइक कि अगर मैथ्स वाले मैम ने बोला असर्शन इज बीइंग नहीं आने तो किसी पेपर में नहीं आने. So it's accordingly, it varies from subject to subject and only the subject teacher can guide you better. I can tell you only about my subject that in maths, assertion reasoning is not going to be there. Don't take it like it will not be there in every subject because whatever pattern CBSE has released, it is different for all the subjects. So accordingly, you have to prepare yourself. So agar ab aap ye mat keh dena ki science ke paper mein हमने तो दर्शन रीजन तैयार नहीं किए थे क्योंकि हमने हमें स्मृति मैम ने बोला था कि नहीं आना. आई एम टेलिंग ओनली अबाउट मैथ्स, उसमें नहीं. एक्चुअली अंशिया ऐसे है कि जो तो सैंपल पेपर आया उसमें तो चॉइस भर भर के दी हुई है, पर हम नहीं देंगे चॉइस आपको, हमारी मर्जी. क्यों? ठीक है, हम नहीं देते आपको चॉइस. चॉइस नहीं मिलेगी क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन में से 40 करने हैं फिर तो सबकी बल्ले बल्ले होगी. ठीक है ना, 40 में से 40 लेके दिखाओ तब मानेंगे. ठीक है ना, ठीक है हृदय. चलो लेट अस डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2. क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर टू पैरेलल मिरर्स पी क्यू एंड आर एस पैरेलल टू ईच अदर. इवन की 10th के जैसे बोर्ड पेपर में इट्स गिवन दैट चॉइस विल बी देयर, इवन देन हम 10th में भी नहीं चॉइस डाल रहे. तो आपको तो बहुत दूर की बात है, 10th में भी नहीं चॉइस डालनी हमने क्योंकि हमें थोड़ा बेटर प्रिपेयर करना है बच्चों को. ठीक है ना, चॉइस जो है वो नहीं डालेंगे. अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू दैट मीन्स नाउ 8 मार्क्स ऑफ केस स्टडी, 8 मार्क्स की केस स्टडी, दो केस स्टडीज होंगी 4-4 मार्क्स ईच एंड 32 मार्क्स विल बी फॉर स्टैंड अलोन एमसीक्यू. ठीक है रितिका, 32 में से आप कैसे कितने लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है, और केस स्टडी में कितने लेते हो ये भी आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, यानी कि पूरे पेपर में कितने मार्क्स लेते हो होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन यू. नोबडी इज गोइंग टू बी गोइंग टू हेल्प यू, नो कॉन कॉन्फ्रेंस इज देयर. ठीक है, वन रूम 12 स्टूडेंट वन टीचर, हाँ नेचुरली कम ही होंगे. लेट्स सी, पी क्यू एंड आर एस आर द टू पैरेलल मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल दो मिरर्स रखे गए हैं पी क्यू एंड आर एस, एंड एन इंसिडेंट रे ए बी, इस तरह से एक इंसिडेंट रे ए बी आती है, मिरर पी क्यू को स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक होते ही बैक हो जाती है, जाते जाते आगे अलोंग बी सी मूव करती है और मिरर आर एस को सी पॉइंट पे टच करके फिर से रिफ्लेक्ट होते हुए अलोंग सी डी मूव कर जाती है. ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड इट इज द रिफ्लेक्टेड रे. हर हर रे जो किसी सरफेस पे फॉल करती है इट रिफ्लेक्ट्स बैक. ठीक है, वो वापिस आती आती है. तो अकॉर्डिंगली this is incident ray and this is the reflected ray, and in the another context this is incident and this is reflected. Now what he says, prove that this AB and CD they are parallel using the given that PQ is parallel to RS. We want to prove that AB is parallel to CD. अब देखो proof तो रहा ही नहीं है. ऐसे हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो दैट देयर आर टू मिरर्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड कंडीशन इज लाइक दिस दिस एंड दैट एंड 4 एमसीक्यूज कैन बी देयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी नॉन पैरेलल टू सी बी सी डी, ए बी एंड सी डी आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नन ऑफ द अबव. ए बी एंड सी डी आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बिकॉज एवरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज अ non intersecting pair of lines, so don't get confused like that. अब हमने यहाँ पे construction की थी, we have drawn BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS. ठीक है, why so?
बिकॉज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए नॉर्मल का होना बहुत जरूरी है, राइट? सो आई एम हैविंग दिस नॉर्मल रे, बट लॉ वी हैव डन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज. दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. वही एंगल दोनों सेम होते हैं. तो यहाँ पे हमें ये तो बड़ी आसानी से पता चल रहा है कि वन इक्वल टू टू, सेम वी कैन गो हियर एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर. दिस इज टू बी वन एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर टू. सो यू सी यहाँ पे सबसे पहले एक बात और हमें समझनी चाहिए कि दिस बी ई वी आर टेकिंग इट टू परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू आर एस. मोर ओवर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. जैसे कि आप ये कॉर्नर लो, ये वाला कॉर्नर ले लो, ये ऊपर वाले एज के परपेंडिकुलर है. सपोज सपोज क्या है, ये 90 डिग्री एंगल. आप इधर वाला एज रो, ये नीचे वाले एज के परपेंडिकुलर है. ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले एज के परपेंडिकुलर है. इफ टू लाइंस और मोर ओवर जिनके हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ऊपर वाले एज के और नीचे वाले एज के, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ये वाला एज और ये वाला एज परपेंडिकुलर है, ठीक है? एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एज एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दैट एज. लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दोस लाइन व्हिच आर पैरेलल, दे विल बी पैरेलल टू देमसेल्व्स. इसका मतलब ये वाला एज जो कि हमने परपेंडिकुलर लिया और ये वाला एज जो कि हमने परपेंडिकुलर लिया, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर बी एफ पी क्यू के परपेंडिकुलर है एंड सी एफ आर एस के परपेंडिकुलर है विद दिस कंडीशन दैट पी क्यू एंड आर एस दे देमसेल्व्स आर पैरेलल, सो दिस इंप्लाइज दैट बी ई पैरेलल टू सी एफ. यहां से एक बात निकल के सामने आई है कि बी ई एंड सी एफ दोनों आपस में क्या है, पैरेलल. गुरपाल जी सिट प्रॉपरली. बीई एंड सी एफ आर पैरेलल. सिट एक्टिवली. व्हाई टू टेक स्पोर्ट ऑफ बॉल? बॉल की स्पोर्ट क्यों लेनी? वी आर यंग, वी कैन सिट विदाउट एनी स्पोर्ट. सो यहां तक हो गया. तो इसका मतलब कि अगर मैं सारा फिगर थोड़ा थोड़ी देर के लिए रब करूं बाकी का फिगर, तो आई एम हैविंग दीज टू लाइंस एज पैरेलल, दिस बीई एंड सी एफ. एंड यू नो दिस इज वर्किंग एज ट्रांसवर्सल. ये लाइन ट्रांसवर्सल है. एंड इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स गेट इक्वल. सो दिस इंप्लाइज, सो वी विल राइट एज बीई पैरेलल टू सी एफ, दिस इंप्लाइज एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. Now, as angle 1 and 2 are equal, ये 1 और 2 दोनों equal है, तो इसमें से किसी एक का double कर होना. हाँ जी, what are you doing, Raghav? What are you doing? Which sum is going on? हाँ ये वाला, सारे अपने अपना sum करो, मैं अपना कर रही हूँ बेटे. You can do अपना, ठीक है? मेरे पास एक स्लेट है जिसपे मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, आपके पास कॉपी पेन, आप अपनी प्रैक्टिस करो. ओवर टीचर इज देयर, अगर सबने अपना अपना ही करना है तो. नहीं, आप जो सुन रहे हो उसी को लिखना चाहते हो तो लिखो, अपना अपना करना अलाउड नहीं है. अपना तब किया करो जब फ्री में बातें करते हो ना, देन आई विल लाइक द मोस्ट कि राघव अपने अपने सम कर रहा है, ठीक है राघव? वैसे कौन सा सम इतना जरूरी था जो आप कर रहे हो, दिखाएं क्या पता पेपर में आई जाए. फिर देखा आ गई ना लाइन के बाद, फिजिक्स ज्यादा पसंद है राघव को, है ना? कल भी फिजिक्स का काम कर रहा था मैथ्स के भी. हाँ जी, स्टैंड अप. टेस्ट है कोई फिजिक्स का? फिर कॉपी सबमिट करनी है तो घर पे अपना काम किया करो कॉपी का, बाद में करना भी बैठ. मैथ्स से, मैथ्स का अपना अपना करते हुए
राघव जी ने फाइनली बताया कि मैं फिजिक्स तक पढ़ रहा हूँ, आपने कहा मैं अपना सम कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, अच्छा सारी दुनिया आ गई उसकी वकालत करने, चलो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, ठीक है ये दोनों इक्वल है। अब क्योंकि वन एंड टू इक्वल है तो इसका मतलब अगर हम किसी एक को डबल कर दें तो हमारे पास पूरा एंगल आ जाएगा। इसी तरह से इधर से थ्री एंड फोर इक्वल है, अगर हम किसी एक को डबल कर दें वी गेट दिस फुल एंगल, सो लेट अस मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, टू टाइम्स एंगल टू कैन बी रिटन एज एंगल ए बी सी ड्यू टू बाइसेक्टर ड्यू टू दिस इक्वेशन वन एंड टू, एंड टू टाइम्स एंगल थ्री कैन बी रिटन एज एंगल बी सी डी, and when in case of two lines there is a transversal and alternate interior angles they get equal, the lines get parallel, so this implies that the line AB this is parallel to the line CD, line AB jo hai wo CD line ke kya ho gayi parallel, haan ji no Turn over the page. Come to example number 8, 6.3 exercise. Example number 8. In the given figure, side AB and side AC, they are of triangle ABC. Are produced two point E D and E. There is a triangle ABC. Side AB is produced to E, and AC is produced to B. Side AB is produced to point E, and AC is produced to point D. Bisector BO of angle B and CO of angle C, they are meeting at the point O. आरडी की बुक में ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसमें हम प्रूव करेंगे दैट एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ बीएसी, उसमें है कि एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल बीओसी, वो ये जो बाइसेक्टर है लाए इनसाइड द ट्रायंगल, दोनों में फर्क है थोड़ा सा, ठीक है सो वी नीड टू प्रूव एंगल BOC 90 माइनस हाफ एंगल BAC। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन दूसरा होता है माइनस वाला याद होता है, माइनस को टिक करके आ जाते हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली देखना है कि अगर तो बाइसेक्टर आउटसाइड द ट्रायंगल है देन माइनस, अगर इनसाइड द ट्रायंगल चले जाएंगे तो प्लस। चलो हमें एंगल BOC को प्रूव करना है। 9C के बच्चे कहाँ बैठते हैं? 9C में। तो एंगल BOC कहाँ बैठेगा? ट्रायंगल BOC में, ठीक है ना। एंगल P कहाँ होता है? ट्रायंगल PQR में, नहीं सॉरी, एंगल PQR कहाँ होता है? ट्रायंगल PQR में। एंगल ABC कहाँ होता है? ट्रायंगल B, ट्रायंगल ABC में। MCQ ये नहीं आने कि एंगल ABC कहाँ होता है, एंगल BOC कहाँ होता है? ट्रायंगल BOC में। और आपको पता है अगर आपको किसी ट्रायंगल के एक एंगल के बारे में आंसर निकालना हो यू शुड नो द रेस्ट टू एंगल, यानी कि हमारे पास ये एंगल वन और ये एंगल टू होना चाहिए, ओनली देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। दिस एंगल CBO जिसको कि मैंने वन बोल दिया, CBO क्या देखते हैं, वन लिखूं कि CBO लिखूं? वैसे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई लिखना ही नहीं है पेपर। ये जो वन है, सबसे पहले हम बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एज ओसी इज ओबी इज बाइसेक्टर, सो एंगल वन इट इज हाफ एंगल CBE। इसी तरह से हम अपने ट्रायंगल एबीसी में एंटर कर जाए ना तो हमारा काम बन जाएगा। इस CBA के थ्रू हम ट्रायंगल एबीसी के किसी एंगल के साथ लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसके साथ? एंगल बी के साथ। मैं इधर बनाती हूँ, यू सी
ABC and CBE, they are forming linear pair. Am I right? So, अगर एक एंगल निकालना हो लीनियर पेयर का तो कैसे निकालते हैं? 180 माइनस द अदर. तो एंगल CBE कैन बी रिटन एज 180 माइनस ABC. ये देखो ध्यान से. We entered in triangle ABC by using the concept of linear pair angles. Linear pair angles का concept use करते हुए हमने triangle ABC में entry मारा. अब half को ले जाओ अंदर. 90 minus half angle ABC. Market equation number one. BOC हमारा target है. BOC triangle BOC में बैठा हुआ है. उसके लिए angle 1 and 2 चाहिए. 1 आ गया, 2 को लेके आएंगे. हारेंगे नहीं. वन आ गया है तो टू को भी लेके आएंगे. चलो, एंगल टू किसका हाफ है? बी सी डी का, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइसेक्टर. बी सी डी एंटर करना चाहता है ट्रायंगल एबीसी में. हा 180 माइनस एंगल एसीबी. हाफ को अंदर ले जाओ. 90 माइनस हाफ एसीबी, दिस इज टू. सो इन ट्राइंगल बीओसी यू आर मैनेजिंग एंगल वन एंगल टू. नाउ लेट अस गो इन एंगल ट्राइंगल बीओसी एंड लेट अस अप्लाई विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. गुरशान सिंह फ्रॉम 9C इज टेलिंग दैट वी हैव टू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी. बीओसी सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच ऑन द फर्स्ट रो नियर बाय टू डोर telling the right answer. चलिए, चलो तो हमें हम चलते हैं ट्राइंगल बीओसी. एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बीओसी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज 180. तो एंगल वन आपके पास है, टू पास है, बीओसी 102 की हेल्प से वो बन जाएगा जो जैसा हमें चाहिए. सो एंगल वन यू कैन हैव दिस इज 90 माइनस हाफ एबीसी. एंगल टू 90 माइनस हाफ ए सी बी, दिस इज 180. नाउ यू सी 90 90 180. पहले कॉन्स्टेंट्स को मैनेज कर लो. जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अपने पास रख के बाकी सबको उधर ले जाओ. वी नीड दिस, कीप इट विद यू. सबसे पहली बात तो यहाँ पे 180 180 कैंसिल हो रहे हैं. हाफ एबीसी प्लस हाफ ए माइनस, नहीं बेटे प्लस, माइनस शिफ्ट टू अनदर साइड विल बिकम प्लस. क्लियर? नाउ हमें बीओसी की वैल्यू बीएसी की टर्म में चाहिए, इसकी टर्म में, जबकि हमारे पास बैठे दूसरे एंगल होंगे. पहले तो हाफ कॉमन ले लो. कोई ऐसा तरीका जिससे हम एबीसी और एसीबी से बीएसी में शिफ्ट कर जाए ना, बी कॉ. Any method with the help of which we can shift to BAC by using BAC and BCA. Jia. Angle sum property. दो एंगल्स के सम को रिप्लेस करना है तीसरे एंगल से. तीनों का सम 180, तो दो एंगल्स का सम 180 माइनस थर्ड एंगल. मैं कहती हूँ दो एंगल्स का सम आपको मैंने दे दिया 70 degree. How you will find the third angle? 180 माइनस 70. So there is the sum of two angles. You want to find the third angle. This is, you want to find the sum of the two angles. This is one. अगर मैं कहती हूँ कि एक एंगल 100 है, बाकी के दो का सम 80, ठीक है, 180 में से माइनस करके दो एंगल्स का सम फाइंड करना है. This will be 180 minus the third angle. BAC, A center में आ गया. B center में था, C center में था, यहाँ A center. 1/2 को अंदर ले जाओ.
90 minus half BAC. This was what we want to prove, that this is equal to 90 minus half BAC. यही हमें प्रूव करना है. चलिए, लेट अस डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. दो चैप्टर पढ़े हमारे अभी, स्टैटिस्टिक्स एंड हीरोन्स फॉर्मूला. I am taking second question. There is a triangle XYZ in which angle X is 62, Y is 54, in which angle Z is 62, Y is 54, YO and ZO, they are the bisector of XYZ and XZY. एक्स वाई जेड का वाई सेक्टर वाई ओ और एक्स जेड वाई का वाई सेक्टर ओ जेड, दे आर गिवन टू बी द, हाँ क्या करो, कर रही हूं मैं. हाँ, जब आपसे पूछूंगी तब आप बताना. वी वॉन्ट टू फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड. सबसे पहले तो देखो बेटे, आपको अगर ओ जेड वाई फाइंड करना है तो आपको पूरा एंगल जेड पता होना चाहिए. एंगल जेड का हाफ होगा ओ जेड वाई. तो सबसे पहले हम एंगल जेड फाइंड करें बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. यू विल बी हैविंग 62 प्लस 54 प्लस एंगल जेड 180. एंगल जेड कम्स आउट टू बी 64. हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई. यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर यू कैन से दैट ओ जेड वाई हाफ ऑफ 64, दिस इज 32. Now you need YUZ and YUZ lies in this triangle. इसमें आपके पास Y और Z जो बॉटम पे है उनकी वैल्यूज होनी चाहिए. इसकी वैल्यू 32 है, ये पूरा 64 था, ये वो टोटल 54 है, तो हाफ हो गया 27. Now you can apply angle sum property to YUZ and can get the value of YUZ. ऐसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे. ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डील विद. हाँ, लगा सकते हैं, क्योंकि जब बाइसेक्टर अंदर हो तो सीधा फॉर्मूला लगता है 90 प्लस हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल, है ना. चलो, आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हो ना अंशिया, तभी आपने मेरे को फटाफट से बता दिया जब मैंने बोला कि यहाँ पे प्लस वाला भी एक होता है. आपने कहा बाइसेक्टर अंदर होता. कितना एक्स्ट्रा पढ़ते हो अंजिया? एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज मतलब जो अगर हम टेंथ की बात करें तो बोर्ड ने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो रेफर की हुई है अपने सैंपल पेपर के नीचे. बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जहां से मर्जी आ जाए हम सॉल्व कर सकते हैं. आपको अपने व्यूज देने बहुत जरूरी है. कह रहा होगा मेरे हिस्से तभी पढ़ लिया करंसिया, है ना. नहीं, यही बोला है ना, मैंने बहुत पढ़ लिया. ए बी इज पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई 53 डिग्री. दिस इज 35, दिस इज 53. 35 डिग्री 53 डिग्री. व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड
द वैल्यू ऑफ एंगल डी सी ई. एंगल डी सी ई कौन से ट्राइंगल में रहता है? ट्राइंगल डी सी ई में. तो अगर ट्राइंगल डी सी ई में आपको एंगल डी सी ई फाइंड करना है तो यू शुड हैव द अदर टू एंगल्स. दिस एंगल इज विद यू, दिस इज नॉट विद यू. राघव हाउ टू फाइंड दिस एंगल? एक मिनट, निकालना कौन सा एंगल है. एक मिनट, कौन सा एंगल फाइंड करना है राघव? डीसीई. तो आप कैसे एंगल सम रोक? एक मिनट, हैंड्स डाउन. आपको लगता है बहुत कुछ है, ये निकालना है ना, तो कैसे निकालें? ये एंगल निकालेंगे पहले किससे? अच्छा, ये 35. आवाज में तो बड़ा दम है, कन्विक्शन है आवाज में, ऐसी बात नहीं है. हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? डीसीई. किस प्रॉपर्टी से? एंगल से. राघव, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? हैं? चैप्टर नंबर. वेरी गुड. सो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड करेंगे. एंगल वन 35 आया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को यूज करते हुए. तो 53 + 35 सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. आंसर इज 92. दिस इज द आंसर. कितना आंसर आया? ठीक है, आंसर लिखा है. इतने खुश हो रहे थे, प्रधानमंत्री के साइन है आंसर. ANSCER. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए. पहले 6th क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, वो करवा. इन द गिवन फिगर साइड QR ऑफ द ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S. ट्रायंगल PQR की साइड जो QR है वो S तक प्रोड्यूस कर दी गई है. बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRS, दे आर मीटिंग एट द पॉइंट T. T पॉइंट पे PQR एंड TRS के जो बाइसेक्टर हैं, PRS के बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं. वी वांट टू प्रूव एंगल QTR. ये भी अब याद रखने वाली बात ही रह गई. एंगल QTR, दिस इज हाफ एंगल QPR. QTR is equal to half angle QPR. देखो, दो बार एक्सटीरियर एंगल यूज प्रॉपर्टी यूज होगी. एक बार इन ट्राइंगल PQR में, दूसरी बार इन ट्राइंगल PQR. अगर PQR में आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हो तो वन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर. और अगर आप उधर यूज करते हो तो TRS इज इक्वल टू PQR प्लस QTR. अब हमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक को जो है उस पर हाफ जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा. देखते हैं किस पे करते हैं. इस पे हाफ, क्योंकि TRS ऑलरेडी बाहर की तरफ है, इसका हाफ करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला. तो वी विल अप्लाई हाफ टू PRS. दिस इज हाफ ऑफ PQR. PRS का हाफ क्या हो गया? ये बाइसेक्टर है, दो हाफ हैं, एक ये एक ये. कौन सा लिखें? TRS, क्योंकि हमारी दूसरी इक्वेशन में TRS है. 1/2 मैंने कॉमन ले लिया. PQR प्लस QPR. दो चीजें अगर सेम चीज के इक्वल, देन दे आर इक्वल टू देमसेल्व्स. दिस थिंग इज इक्वल टू TRS, दिस इज आल्सो इक्वल टू TRS. दैट मीन दे आर गोइंग टू इक्वल टू देमसेल्व्स. सो वी आर हैविंग हाफ एंगल PQR प्लस एंगल QPR. दिस इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस एंगल TQR. जो जो आपको चाहिए उसको टिक कर लो. ये मुझे एज इट इज चाहिए.
आई नीड QTR एंड QPR, ये भी मुझे चाहिए। हाफ को अंदर ले जाओ, हाफ एंगल PQR, हाफ एंगल QPR, दिस इज QTR प्लस TQR। अब देखो जरा ध्यान से, ये चीजें हमारे प्रूफ का हिस्सा है, वी डोंट नीड दीज टू, हमें ये दोनों नहीं चाहिए। अब मैंने फिगर रब कर दिया, आप खुद देखो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से PQR का हाफ इट कैन बी रिटन एज TQR। So TQR, TQR get cancelled. You are getting the result that angle QPR, QTR, this is equal to half angle QPR. So this is all about lines and angles. You can do question number 5th right now. कर लो अभी, 5th question अभी कर लो। जिया की बुक कहाँ है आज? लेके आया करो बुक अपनी। Continue tomorrow. Till then, take care. Bye-bye.